नमस्कार एंड वेलकम टू सीआईईटी एनसीईआरटीज लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। माय नेम इज तन्वी खुराना एंड इन दिस सोशल साइंस प्रोग्राम फॉर ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स वी आर हियर विद अ टॉपिक टाइटल्ड कंज्यूमर्स राइट्स। वी ऑल नो दैट कंज्यूमर्स हैव सर्टेन राइट्स एंड व्हाट आर दोज राइट्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट दोज राइट्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रोग्राम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड कॉल अस ऑन आर नंबर विच इज 8800 440 559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 पर और आप हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो हमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी देंगे। तो आइए आपकी मुलाकात हम उनसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर शंकर प्रसाद साह, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, हैं पीजीटी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय 2 कोलाबा मुंबई रीजन। आइए ये बातचीत हम शुरू करते हैं एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू सर वुड बी सर व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर आवर व्यूअर्स। यस थैंक यू मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय लव एंड अफेक्शन टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पीएमई विद्या चैनल। बच्चों आज हम उपभोक्ता अधिकार पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। व्हाट इज कंज्यूमर राइट एंड व्हाई इट इज नीडेड। उपभोक्ता अधिकार क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। कंज्यूमर राइट इज ए राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंसी प्योरिटी प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So each and every consumer to be protected against unfair practices of trades। बच्चों हम सभी जानते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीके से किया जाता है, उनमें से प्रमुख है adulteration and impurity। मिलावट करके अशुद्ध पदार्थ कंज्यूमर को देकर उनका शोषण किया जाता है। lack of safety devices, खासकर electrical appliances में safety devices का कमी होना, डुप्लीकेट आर्टिकल्स प्रदान करना, हाई प्राइस चार्ज करना और घटिया वस्तु प्रदान करना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेजरमेंट भी सही नहीं देता है, यहाँ तक कि होर्डिंग करके आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा करके अधिक प्राइस वसूला जाता है। फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में और परचेज के टाइम में और परचेजिंग के बाद कंज्यूमर के साथ रफ बिहेव करना, ये सारे के सारे कंज्यूमर शोषण के अंतर्गत उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आता है। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनेक काम किए, समय समय पर अनेक कानून बनाए और समयानुसार आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन भी किए। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, इट इज ऑल्सो नोन एज द जनरल ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937। इट इज एन एक्ट टू इम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द ग्रेड स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इट इज अमेंडेड इन 2015 एंड नाउ वी हैव अ न्यू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2019 एंड 2020 ऑल्सो। It is an act to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics. The Essential Commodity Act 1955, it is also amended in 1988 and in 2003, and it is an act to provide the tools to the central government related to the production, supply and distribution of essential commodities among the customer. The Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969, it is an act to empower the MRTP Commission for preventing from the monopolistic and restrictive trade practices, the Prevention and Control of Pollution Act 1974. It is an act to provide
prevention and control of water pollution, the standard of weights and measure act 1976, it is an act to establish the standard of weight and the measurement of the commodity. The prevention of goods adulteration act 1976, it is an act for protecting from adulteration and contamination of food items. The prevention of black marketing and maintenance of supplies of essential commodity act 1980, the Bureau of Indian Standard act 1980, the Environment Protection act 1986. It is an act which authorizes the central government to protect and improve environmental quality control and reduce pollution from all the sources. The Consumer Protection Act 1986, RTI Act 2005 and Consumer Protection Act 2019, इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। अभी हम देखेंगे मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा है जी। उसके आधार पर हमारे कितने अधिकार हैं, कंज्यूमर के कितने अधिकार हैं, तो मैं बताऊं कि एज पर द कोपरा 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ताओं को ये छह अधिकार दिए गए हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिडेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कमिंग टू राइट टू सेफ्टी, डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट सर्टेन कमोडिटी सर्टेन गुड्स मे कॉज सीरियस इंजुरीज। दीज गुड्स मे बी प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, electrical irons, etc. If there is any manufacturing defects in these goods, consumer have the right to be protected against their fatal risks. So, safety first, be careful, be aware, be safe. Right to information. A consumer has right to be informed about quality, quantity, potency, purity, price, and standard of goods and services. Right to choice. A consumer has right to choose the product of his own choice out of the alternative products available. Right to be heard. As per the Consumer Protection Act 1986, a three-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national levels were set up for redressal of the consumer disputes. The Act has enabled us as consumer to have the right to represent in the consumer court. Right to seek redressal. This is the most important right. The consumer has the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. If any damage has been done to the consumer, he or she has the right to get compensation depending upon the degree of damages. But there are some limitations of consumer redressal process in India. Number one, lack of awareness about the redressal process. हमारे यहाँ जो redressal process हैं, उसमें consumer के बीच में awareness का अभाव है, जागरूकता का अभाव है. Time taken to seek redressal is too long. Sometimes cost of justice is more than the cost of actual damage. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उपभोक्ताओं के पास cash memo नहीं होते, जो product खरीदे हैं उनका cash memo नहीं होते, जिसके कारण एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. इट इज राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ. कंज्यूमर शुड नो देयर राइट्स एंड मस्ट एक्सरसाइज देम. ऐसा नहीं है बच्चों कि केवल अधिकार दिया गया है, कंज्यूमर के केवल अधिकार ही अधिकार हैं. कंज्यूमर के कुछ कर्तव्य भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं. इसलिए कंज्यूमर के अधिकार और उसे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं. वह हैं, बी अलर्ट अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके कीमत के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में आप सावधान रहें, उसका ज्ञान रखें, मार्केट का सर्वे करें. टू परचेज क्वालिटी मार्क गुड. हमें क्वालिटी मार्क गुड ही खरीदना चाहिए. टू इंसिस्ट ए कैश मेमो आफ्टर एवरी परचेज. और परचेज के साथ साथ हमें कैश मेमो का डिमांड करना चाहिए. टू मेक कंप्लेंट्स फॉर जेन्युइन ग्रीवांसेस. जो ग्रीवांसेस जेन्युइन है, उसी के लिए कंप्लेन हमें करना चाहिए. और कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उनके राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज होना है. कंज्यूमर टू रियलाइज देयर ओन रोल एंड इम्पोर्टेंस.
Coming to COPRA 1986, the Consumer Protection Act 1986, enacted by the Government of India on 24 December 1986 on the basis of UN guidelines given in 1985, and it is amended in 1990 and 1993, it is replaced by COPRA 2019. Hamare desh mein the National Consumer Day is celebrated on 24th December in India, and the World Consumer Day is celebrated on 15th March every year. Coming to COPRA 2019, अब ये यहाँ काफ़ी ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कोपरा 1986 में जो कमियाँ या शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास कोपरा 2019 में किया गया है. इट कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स एंड टेली शॉपिंग, जो उसमें 1986 के कोपरा में ये नहीं था. कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एट ए प्लेस वेयर कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क. 1986 के कोपरा के आधार पर क्या था कि जहां के प्रोडक्ट हैं, जहां प्रोडक्शन होता है, या प्रोडक्ट में लिख दिया है ज्यूरिडिक्शन के कहां पर इसे कंप्लेंट दायर किया जा सकता है, तो कंज्यूमर वहीं कंप्लेंट करते थे. लेकिन आज के डेट में कंज्यूमर जहां कहीं भी रहते हैं या जहां कहीं भी काम करते हैं वहाँ से भी कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं. ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट इज इंक्लूडेड, पहले ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट नहीं होता था, आज कोपरा 2019 में हम ई फिलिंग कंप्लेंट भी कर सकते हैं. यहाँ तक कि हियरिंग ऑफ केसेस कैन बी डन ऑनलाइन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हियरिंग हो सकता है. कंज्यूमर कैन गेट कंपेंसेशन फॉर एनी हार्म आफ्टर द यूज ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द सेलर. सबसे बड़ी बात है कोपरा 2019 का कि द मीडिएशन सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन विथ ऑल फॉरम कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन. इसमें कोशिश किया जाता है कि क्रेता और उपभोक्ता के बीच में, विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसको दोनों के आपसी सहमति के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसे सॉल्व किया जाए. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोपरा 2019, टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड टू सेट अप क्वासी जुडिशियल मशीनरी फॉर स्पीडी एंड करेक्ट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. और सबसे बड़ी बात है, इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. कोपरा 1986 पूरे भारत में लागू तो था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ये लागू नहीं था. लेकिन कोपरा 2019 को पूरे भारत में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में इसे लागू कर दिया गया. और साथ ही साथ निर्णय के टाइम लिमिट तय कर दिए गए, जिस वस्तु के अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ है अगर उस वस्तु का किसी प्रकार का एनालिसिस या टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है तो विद इन 3 मंथ्स निर्णय देना होता है. अगर टेस्टिंग और एनालिसिस करने की आवश्यकता है तो विद इन 5 मंथ्स निर्णय देना होता है. कमिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, ये क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स? दीज आर द एडवाइजरी बॉडीज, दीज आर नॉट द जुडिशियल बॉडी. ये भी 3-tier सिस्टम है, इसमें भी एट नेशनल लेवल इट इज नोन एज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड एट स्टेट लेवल इट इज नोन एज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. कमिंग टू कंपोजिशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कौन चेयरमैन होगा, साल में कितने बार मीटिंग होंगे, कितने मेंबर होंगे, इन सब चीज़ों को अब हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर, और उसी प्रकार से स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्टर. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का साल में एक बार मीटिंग होना आवश्यक है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का साल में 2 बार मीटिंग होना आवश्यक है, और उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का भी साल में 2 बार मीटिंग होना आवश्यक है. कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मैक्सिमम 150 मेंबर हो सकते हैं, जबकि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में मैक्सिमम 10 ही मेंबर हो सकते हैं. जहां तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का सवाल है तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये तय करती है समय समय पर इसके कितने मेंबर होंगे. 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर रिड्रेसल होता है और हियरिंग ऑफ केसेस होता है. ये 3-tier सिस्टम है. एट द नेशनल लेवल इट इज नोन एज नेशनल कंज्यूमर कोर्ट और कमीशन. एट द स्टेट लेवल इट इज नोन एज द स्टेट
consumer court or commission. At district level, it is known as district consumer forum. इसके composition को देखेंगे, इसके presiding officer कौन होते हैं, tenure क्या होता है, members क्या होते हैं, member के age क्या होते हैं, financial limit क्या होता है, territorial limit क्या होता है. तो सबसे पहले presiding officer, district consumer court के जो presiding officer होंगे, वह होंगे judge of the district court. और state consumer court के जो presiding officer होंगे, वह होंगे judge of the high court. उसी प्रकार से नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के जो प्रजाइडिंग अफसर होंगे वह होंगे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और इन प्रजाइडिंग अफसर के जो टेन्योर है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के प्रजाइडिंग अफसर 5 इयर्स और 65 इयर्स एज व्हिच एवर इज अर्लियर. स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के प्रजाइडिंग अफसर का टेन्योर 5 इयर्स और 67 इयर्स एज व्हिच एवर इज अर्लियर. और उसी प्रकार से नेशनल कंज्यूमर काउंसिल कंज्यूमर कोर्ट के प्रजाइडिंग अफसर के जो टेन्योर हैं वो 5 इयर्स और 70 इयर्स एज व्हिच एवर इज अर्लियर. कितने मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के? कम से कम 2 मेंबर होंगे, जिसमें एक फीमेल मेंबर का होना आवश्यक है. उसी प्रकार से स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के भी कम से कम 2 मेंबर होंगे और एक मेंबर फीमेल मेंबर होना आवश्यक है. लेकिन नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के कम से कम 4 मेंबर होंगे और 4 मेंबर में एक मेंबर फीमेल मेंबर का होना आवश्यक है. और इन तीनों कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट या नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के लिए उसके मेंबर के जो मिनिमम एज हैं वो 35 इयर्स ही रखा गया है. फाइनेंशियल लिमिट, आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के लिए 1986 कोपरा के आधार पर अप टू 20 लाख अमाउंट तक का कंप्लेन हम लॉन्च कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में. लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया गया है और ये कोपरा 2019 के आधार पर अप टू 50 लाख वैल्यू तक का जो हमारा शिकायत है उसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में हम डाल सकते हैं. स्टेट कंज्यूमर फोरम में मोर देन, मतलब 1986 में 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के अंदर का हम कंप्लेन कर सकते थे स्टेट कंज्यूमर काउंसिल में. लेकिन अभी 2019 कोपरा के आधार पर हम 50,000 से ऊपर और 2 करोड़ रुपए तक का वैल्यू का जो है हम अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में. और उसी प्रकार से नेशनल कंज्यूमर कोर्ट मोर देन 1 करोड़ एज पर द कोपरा 1986. लेकिन अभी एज पर द कोपरा 2019 इट इज मोर देन 2 करोड़. टेरिटोरियल लिमिट क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का क्षेत्राधिकार विद इन द डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट कंज्यूमर फोरम का क्षेत्राधिकार विद इन द स्टेट होता है. और उसी प्रकार से नेशनल कंज्यूमर जो कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार पूरा कंट्री होता है. अपीलेट अथॉरिटी कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट चूंकि लोअर कोर्ट है इसलिए इनको अपीलेट अथॉरिटी ये नहीं है. अगर कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो विद इन 30 डेज, जो निर्णय दिया गया उस निर्णय के 30 डेज के अंदर वह स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकता है. और उसके लिए उनको 25,000 रुपया और 50% ऑफ लॉस अमाउंट जमा करना होगा. अगर कोई कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो निर्णय के 30 डेज के अंदर उसे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में अपील करना होगा और यहां पर भी उसे 25,000 और 50% ऑफ लॉस अमाउंट जमा करना होगा. अगर कोई कंज्यूमर मान लीजिए कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के निर्णय से भी वह सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें 35,000 रुपीज और 50% ऑफ लॉस अमाउंट जमा करना होगा. कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स में फाइल ए कंप्लेंट अंडर द एक्ट, कौन कौन से व्यक्ति कंप्लेंट कर सकते हैं इसमें? कंज्यूमर कर सकते हैं, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, कोई भी एसोसिएशन कंज्यूमर के फेवर से, कंज्यूमर के फेवर में वो कंप्लेंट कर सकते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, वह भी परचेज करती है. द स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. और वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर नंबरियस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, वहां पर ऑर्गेनाइज होकर के वो कंप्लेन कर सकते हैं. एक कंप्लेन शुड कंटेंस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या होना चाहिए जब हम कंप्लेन करेंगे तो क्या क्या उसमें होना चाहिए एप्लीकेशन में? द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, उनका पूरा एड्रेस और उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपोजिट पार्टी और एज
द केस में भी अपोजिट पार्टी का भी उनका एड्रेस और उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। द फैक्ट रिलेटिंग टू कंप्लेन एंड व्हेन एंड वेयर इट अरोज, कहां पर ये इस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है और उनका क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है, उसे उसमें लिखना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशंस कंटेंट इन कंप्लेंट, जो एलिगेशन लगाया गया है कंप्लेन किया गया है उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच करना चाहिए। द रिलीफ व्हिच द कंप्लेनेंट इज सीकिंग, जो शिकायत करता है वह किस प्रकार का रिलीफ चाहता है, इसके बारे में भी उसमें इंडिकेट कर देना होता है। फैक्टर गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन 1960s। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों हुआ? ये उपभोक्ता की जागरूकता के लिए एक मूवमेंट चली और उनके फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट राल्फ नाडार को कहा जाता है। राल्फ नाडार ए लीडिंग अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उन्हें फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट कहा जाता है। इनका उद्देश्य था, इनका एम्स था कंज्यूमर मूवमेंट का, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, हाई प्राइसेस, ये इसके विरुद्ध भी एक कंज्यूमर मूवमेंट आवश्यक थी। कंज्यूमर को उनके रोल और उनके इम्पोर्टेंस को बतलाना था, इसलिए कंज्यूमर मूवमेंट 1986 में राल्फ नाडार के नेतृत्व में आया। कंज्यूमर मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विथ द कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जब कंज्यूमर एक्टिव रहेंगे, कंज्यूमर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा तभी कंज्यूमर मूवमेंट सफल हो पाएगा, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा। तो कंज्यूमर मूवमेंट के लिए कंज्यूमर को अपनी भूमिका समझना है, अपने इम्पोर्टेंस समझना है और उसके बाद वो आगे उन्हें बढ़ना है। जी हाँ मैडम जी सर, ये लास्ट स्लाइड है जी। कुछ ग्लॉसरी हैं इससे रिलेटेड मैडम, हमने सोचा कि अगर ये दे देंगे तो बच्चों को इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कंज्यूमर किसे माना गया है, ऐसा नहीं है कि केवल टू कंज्यूम एनीथिंग इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसे माना गया है इस कोपरा 2019 में, तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज एंड यूजेज ए गुड और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट आफ्टर मेकिंग ए पेमेंट। पेमेंट करने के बाद, जो ऐसा नहीं कि जिसने परचेज किया, परचेज करने के साथ साथ जिसने उसे यूज किया, उसके परिवार में अदर मेंबर भी उसे यूज कर रहे हैं, तो वह भी कंज्यूमर के अंतर्गत आएंगे, वो भी कंज्यूमर ट्रीट होंगे। एमआरपी क्या है? इट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड ऑन द पैकेज गुड्स। तो इस प्रकार से प्रत्येक पैकेज गुड पर आप देखिए, यहाँ फोटो दिया गया है, उसके पिक्चर दिए गए हैं, इस प्रकार से एमआरपी लिखे हुए होते हैं। आईएसआई मार्क क्या है? ए सर्टिफिकेट मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये मार्क यहाँ दिया गया है, ये देखिए जितने भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लोहे के सामान जो भी होते हैं उसमें सारे, प्लास्टिक के सामान होते हैं उसमें सारे, इस तरह से आईएसआई मार्क लगे हुए होते हैं। एक मार्क क्या है? ए सर्टिफिकेट मार्क इम्प्लाइड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। और ये सिम्बॉल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर फूड आइटम्स होते हैं वो सब सारे पर ये सिम्बॉल देख करके ही सामान खरीदना चाहिए। हॉल मार्क एन ऑफिशियल मार्क स्ट्रक ऑन आइटम्स मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। ये हॉल मार्क का भी पिक्चर दिया गया है, जो बच्चे उसे आसानी से देखकर समझेंगे। और आरटीआई एक्ट 2005, दिस एक्ट गिव्स राइट टू द सिटीजन टू हैव इंफॉर्मेशन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देयर पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। कंज्यूमर इंटरनेशनल एन इंटरनेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू कवर 240 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ओवर 220 कंट्रीज। हाँ मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को कंज्यूमर्स के राइट्स बताने का डिटेल में। और सर हमारे पास कुछ सवाल हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी सर, जैसे आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट बताया, उसमें एक था 1986 और दूसरा था 2019, तो ये कुछ टाइम होता है, कुछ ड्यूरेशन होता है, वो उस इतने वक्त के बाद, इतने सालों के बाद उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं और फिर वो दोबारा से लाया जाता है, या ये सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के लिए ही था
जो कि दो बार आया, मतलब 14 साल के बाद, आपकी जगह ज्यादा साल के बाद। जी ऐसा ना, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है मैडम। जब भी गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई उस जो प्रिवेलिंग लॉ जो है या एक्ट है, प्रिवेलिंग जो कोपरा 1986 था, वो देखती है कि अब वो रिलीवेंस नहीं रहा, तो उनके लिए सरकार फिर उसमें अमेंडमेंट करके न्यू एक्ट लाती है। जैसे एसेंशियल गुड्स के बारे में मैंने बताया, उसमें भी देखिए दो नए गुड्स अभी आ गए। 2019 में भी एक नया गुड्स आया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और 2020 में भी आया, 19 के बाद 20 में लगातार आ गया, जबकि उसके पहले 40 से लेकर 2019 तक वही ड्रग्स एंड एक्ट खाली अमेंडमेंट करता गया, और वही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट था। तो इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट एक साल के बाद या पांच साल के बाद ही उसे लाएगी। गवर्नमेंट को ऐसा जब लगता है कि नहीं अब ये रिलीवेंट नहीं रहा है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को का डिमांड, लोगों का जो परचेजिंग, अभी जैसे कि हम लोग ई मार्केटिंग करने लगे, पहले ई मार्केटिंग नहीं होता था, तो उनको तो किसी तरह ऐड करना है। टेली शॉपिंग करने लगे तो टेली शॉपिंग को भी ऐड करना है, तो टेली शॉपिंग, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सबको ऐड करने के लिए फिर ये इस तरह से कोपरा 2019 आया मैडम। ओके सर, जैसे कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उसकी क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है? एकदम, वही मैंने तो चर्चा किया, आईएसआई। जी सर, आईएसआई मार्क क्वालिटी को एश्योर करता है सर। क्या जी वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं एक मार्क को देखेंगे हम समझेंगे वही सर्टिफिकेशन है और वही जेन्युइन प्रोडक्ट है। ओके सर, एक चीज आप हमें प्लीज और बताइएगा जाने से पहले, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है और कंज्यूमर कोर्ट होता है, आपने हमें कुछ डिफरेंस बताया है, पर इसके अलावा भी कोई ऐसा डिफरेंस है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? जी, ये मुख्य बात इसका यही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो एडवाइजरी बॉडी है वो केवल एडवाइस देगा, और वो क्या करेंगे, जो कंज्यूमर राइट को प्रमोट और प्रोटेक्शन देंगे, वो कोई निर्णय नहीं देंगे, वो सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर कोर्ट है जी, वो तो क्वासी जुडिशियल मशीनरी के अंतर्गत आता है ना, तो कोर्ट है वो हियरिंग करेगा। हियरिंग का कैपेसिटी नहीं दिया गया प्रोटेक्शन काउंसिल को, लेकिन हियरिंग का कैपेसिटी दिया गया है कोर्ट को, यही बेसिक डिफरेंस है मैडम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए कंज्यूमर्स राइट्स पर। थैंक यू सभी दर्शकों का हमारा एक कार्यक्रम देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। स्टे हियर, डोंट गो एनीवेयर, वी कमिंग बैक विद अनदर प्रोग्राम ऑफ आर्स ऑन मैथ्स एंड द टॉपिक वुड बी स्टेटिस्टिक्स 2। सो स्टे हियर, डोंट गो एनीवेयर, वी कमिंग आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। कीप ऑन वॉचिंग PM eVidya चैनल्स एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।